हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए ब्यूटी टिप लाई हूँ वो है फेस पैक। एक ऐसा फेस पैक जो आप अपने घर में इजीली आराम से उसको बना सकते हैं और अपने स्किन पे लगा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फेस पैक या फेस मास्क एक बहुत पॉपुलर और बहुत पुराना थेरेपी है और जिसे हम अपने घर में आराम से बना सकते हैं और अपनी त्वचा पे एक प्यारा सा निखार ला सकते हैं। जो फेस पैक होता है वो हमारे जो स्किन की जो इम्प्योरिटीज़ दूर करता है, हमारे स्किन के अपीरेंस को इम्प्रूव करता है, जो डर्ट होता है उसे भी हटाता है और जो पोर्स होते हैं स्किन में, जो पोर्स होते हैं उन्हें खोलता है, त्वचा को नरम करता है और जो जितना भी जो एंटी रिंकल का काम करता है ये, और तो और ये हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। एक सही फेस पैक अगर आप लगाते हैं तो ये हर तरीके से आपके स्किन को बहुत इम्प्रूव करता है। तो चलिए बताती हूँ एक ऐसा फेस पैक जो मेरे स्किन के लिए हेल्दी है, जो मेरे स्किन की इम्प्योरिटीज़ दूर करेगा और मेरे स्किन के अपीयरेंस को बढ़ाएगा, साथ ही साथ ये मेरे स्किन के पोर्स भी खोलेगा। फेस पैक बनाने के लिए मेरे पास ये मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है मेरे पास, और इसमें मैं अब ऐड करूँगी गुलाब जल। मैंने ये डाबर का गुलाब जल लिया है, मैं इसमें इसको मिलाऊंगी। इसको इतना मिलाना है कि एक अच्छा सा पेस्ट बने और इसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी शहद। मेरे पास नींबू नहीं है, इसमें आप चाहें तो लेमन जूस, नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। इसमें मिलाऊंगी मैं शहद। इसमें आप चाहें तो लेमन जूस, नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, मिला सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। ये एक मैंने इसमें एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी, एक चम्मच गुलाब जल और एक चम्मच शहद लिया है। इसमें आप थोड़ी सी नींबू का जूस, लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। ये तैयार हो गया है मेरा फेस पैक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फेस पैक, एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी, एक चम्मच शहद और एक चम्मच गुलाब जल, आप चाहें तो इसमें नींबू का रस, लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। ये फेस पैक मेरा तैयार हो गया है, इसे अब मैं अपने स्किन पे लगाऊंगी और कम से कम 15 से 20 मिनट इसको रखूंगी। फेस पैक लगाने के लिए पहले आप अपने बालों को ठीक से टाई कर लें। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश की हेल्प से ये फेस पैक अपने स्किन पे लगा सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कॉटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों के आसपास इसे लगाइए। इसको सूखने में कम से कम 15 से 20 मिनट तो लग ही जाएंगे। जब आप इसे लगाएं तो आप अपने आप को किसी एप्रन से या किसी ऐसे कपड़े से कवर कर लें ताकि आपके कपड़ों पे ये ना गिरे। देखिए, मैंने इसको अपने नेक एरिया पे भी लगाया है और इसको पूरी तरह कवर कर लिया है, इस फेस पैक को, अपने स्किन को, अपने फेस को पूरी तरह कवर देखता है। आंखों के जो एरियाज हैं उन्हें हटा के बचा के और कम से कम 15 से 20 मिनट रखिए जब तक ये सूखता नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो फेस पैक बनाया था मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल और शहद से, आप इसमें चाहें तो नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने तीन चीज़ों से ये फेस पैक बनाया है। मुल्तानी मिट्टी मैंने ली है, गुलाब जल और शहद का मिश्रण मैंने तैयार किया है और उससे मैंने ये अपना फेस पैक बनाया है। इसको सूखने में, इसको मैं कम से कम 15 से 20 मिनट रखूंगी जब तक ये सूखे ना,
उसके बाद इसको मैं गुनगुने पानी से, हल्के गुनगुने पानी से धो लूँगी। आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो फेस पैक बनाया था मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल और शहद से, वो फेस पैक मैंने अपने स्किन पे लगा दिया है। अब इसको मैं कम से कम 15 से 20 मिनट देख पा रहे हैं मेरे स्किन पे ये फेस पैक मेरे स्किन पे ऑलमोस्ट सूखने लगा है। इसको कम से कम मैंने 15 to 20 मिनट रखा है। अब जब ये सूख जाएगा तब मैं इसे गुनगुने पानी से धो लूँगी। गुनगुने पानी से अपने स्किन को धोया है। जो फेस पैक मैंने लगाया था उसको मैंने हल्के गुनगुने पानी से साफ किया। अगर आप गुनगुना पानी नहीं यूज़ करते तो आप नॉर्मल वाटर ले सकते हैं, ठंडा पानी ले सकते हैं, उससे अपना मुंह धो सकते हैं। तो देखिए आ गया ना निखार चेहरे पे, ये कमाल है गुलाब जल, मुल्तानी मिट्टी और शहद का।